दो साल पहले मेरे पेट में बहुत दर्द उठा था, तो मैं बड़े हॉस्पिटल में लेडीज़ डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने कहा था कि आपके आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मेरा यूट्रस निकाल दिया, लेकिन मेरा दर्द बंद नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को दिखाओ, तो मैं गैस्ट्रो वाले डॉक्टर पर दिखाने गई थी, तो उन्होंने मेरी सारी इंडोस्कोपी कर दी, मुंह वाली भी कर दी थी और नीचे पट्टी की जगह से भी कर दी। उसके बाद में फिर उन्होंने चेकअप करने के बाद में, इंडोस्कोपी करने के बाद में मुझसे बोले कि आपके आपकी छोटी आँख बिल्कुल बंद है, जिसमें मुझे कट लगाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ दिन बाद मेरा ऑपरेशन करना, क्योंकि मेरा यूट्रस निकल चुका है, अभी एक ऑपरेशन हुआ है, तो अभी नहीं करना है ऑपरेशन। तो उन्होंने मुझे एक हफ्ते की दवाई दे दी कि आपकी छोटी आँख में कट लगेगा। अब मैं वहाँ से दवाई लेके आ गई हफ्ते भर की, तो मेरी मुलाकात डॉक्टर प्रशांत से हुई। जब उन्होंने वो मेरी दवाइयाँ देखी और मेरी रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम तो आपकी कुछ और है और ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे क्लिनिक पे आओ, तो मैं फिर उनके क्लिनिक पर गई, उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया। एलोपैथिक दवाइयों से तो मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, और बिल्कुल मेरा गला ऐसा रुंध गया दवाइयों से कि ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल मरने वाले हैं। मैंने जब उनको बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरा ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। तो उनके ट्रीटमेंट से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ बैठी हुई हूँ, और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अगर ऑपरेशन होता तो फिर मैं आज होती भी नहीं। बाकी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर तुम्हारा ऑपरेशन होता तो ना तुम बचती और सक्सेस होता ही नहीं है एक कट लगाने के बाद। तो आज जो भी दो साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। और उन्होंने मुझे डाइट वगैरह, दवाई टाइम से लेनी, कुछ आयुर्वेद और उनके हिसाब से हल्की फुल्की उन्होंने एलोपैथिक भी दवाई दी, और आयुर्वेद से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।